Okay, so today we are going to start with a very interesting topic. So we are going to learn about two types of instruments that we will be using. Of course, you will be using once you go back to college to measure small distances. देखो idea ये है, as I told you earlier, हमें अगर दो point ए और बी का डिस्टेंस मेजर करना है तो व्हाट डू वी डू, हम एक मीटर स्केल लेते हैं या सेंटीमीटर स्केल लेते हैं। सेंटीमीटर स्केल का जीरो एक पॉइंट पे ए पॉइंट पे सेट करते हैं। ओके, तो व्हाट यू डू इज दिस, तो आप ये सेंटीमीटर स्केल का जीरो एक पॉइंट पे सेट करते हो। फिर आपको पता है कि यहाँ पे लाइंस होते हैं, यू नो यू हैव लाइंस हियर, जीरो, फिर यहाँ पे 0.1, फिर यहाँ पे 0.2, सो ऑन सो फोर्थ। तो ऐसे लाइंस होते हैं, राइट। अब जो आप नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल यूज करते हो डे टू डे लाइफ में, प्रॉब्लम ये है कि जैसे यहाँ पे ए और बी पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना था, लेकिन बी पॉइंट जो है ये 0.2 और 0.3 के बीच में आ गया, तो हम ए और बी का डिस्टेंस एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यूजिंग दिस सेंटीमीटर स्केल यू कैन नॉट मेजर एनीथिंग विच इज स्मॉलर देन 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 के बाद 0.2, 0.2 के बाद 0.3, 0.3 के बाद 0.4, इसको आप बोलते हो लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट मतलब द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट यू कैन मेक विद द हेल्प ऑफ अ गिवन इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल और एक बताता हूं। सपोज मुझे टेम्परेचर मेजर करना है और मैं थर्मोमीटर यूज कर रहा हूं। थर्मोमीटर में 0 डिग्री के बाद 0.5 है, 0.5 के बाद 1 है, 1 के बाद 1.5 है, तो इसका लीस्ट काउंट हो गया 0.5 डिग्री। यू कैनॉट मेजर टेम्परेचर लेस देन 0.5 डिग्री हियर, राइट। तो लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट वन कैन मेक यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। तो मुझे ए से बी डिस्टेंस मेजर करना था तो मैं एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाऊंगा। ओके, और बाय द वे जितना लीस्ट काउंट होता है उतना ही एरर होता है। सो लीस्ट काउंट आल्सो गिव्स यू एरर इन अ मेजरमेंट। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है? तो फिर क्या हमने 0.1 सेंटीमीटर के नीचे का कुछ मेजर नहीं करना क्या? फिर वी कैन डू इट। हाउ यू कैन डू इट? वी हैव टू यूज टू स्केल सिस्टम। अब एक की जगह पे दो स्केल यूज करेंगे। एक होगा मेन स्केल, जैसे कि यहां ऊपर की डायग्राम में आप देख रहे हो, यह है मेन स्केल, और दूसरा नीचे एक स्केल है जो मूवेबल होता है, यू कैन मूव इट। ओके, दिस इज वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर, राइट। दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज वर्नियर कैलिपर, राइट। तो दो स्केल है, एक ऊपर का स्केल है जो मेन स्केल है, एक नीचे स्केल है जो मूवेबल स्केल है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल। तो यू हैव दिस एज वर्नियर स्केल, you have this over here as main scale. Okay, ab definitely you should know ki ab do scale hai to dono scale ka use karna hi padega. You will have to use both the scales, of course, nahi to fir do scale ka matlab hi kya hua. To total reading jo aapko milega, जो आपको टोटल रीडिंग मिलेगा वो टोटल रीडिंग होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग।
ओके, एमएसआर मतलब मेन स्केल रीडिंग, एमएसआर का मतलब होता है मेन स्केल रीडिंग, और वीएसआर का मतलब होता है वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग। ओके, तो द आइडिया हियर इज, अब मेन स्केल रीडिंग एकदम इजी है, इट इज सो सिंपल। नाउ एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये वर्नियर स्केल का जो जीरो है, थोड़ा मैं डायग्राम को बड़ा कर देता हूं फॉर द टाइम बीइंग, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, लिटिल बिट फॉर द टाइम बीइंग। ओके, तो एज यू कैन सी कि वर्नियर स्केल, जस्ट अ मिनट, ओके, तो वर्नियर स्केल का जो जीरो है राइट, वो मेन स्केल के साथ जहां भी कोइंसाइड हो गया, अब कहां कोइंसाइड हुआ, 20 पे राइट। तो वर्नियर स्केल का जीरो, रिमेंबर दिस, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जिस रीडिंग के साथ कोइंसाइड हुआ, दैट इज मेन स्केल रीडिंग। मतलब यहां पे कहां कोइंसाइड हो रहा है, 20 पे, ओके, तो 20 इज मेन स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स ये ऊपर लिखा होता है, ये एमएम में है तो एमएम में है, डजंट मैटर, वो लिखा होता है, वो सेंटीमीटर है कि एमएम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दैट इज एमएम, ओके, इट्स ओके, ऑलराइट। सो दिस इज 0.2 सेंटीमीटर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नाउ द थिंग इज, अब वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालना, तो वर्नियर स्केल रीडिंग का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको आप बोलते हो कोइंसाइडिंग डिवीजन, इनटू लीस्ट काउंट। कोइंसाइडिंग डिवीजन मतलब जीरो छोड़ के, वर्नियर स्केल का जीरो छोड़ के अगला कौन सा नंबर ऑफ लाइन मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली मैच हो रहा है। इफ यू सी वन, ये एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा है, यू हैव टू पे अटेंशन हियर, ये जो वर्नियर स्केल का वन है वो एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा है, उसके बाद टू भी एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा है, उसके बाद थ्री, यस थ्री, थर्ड लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज एग्जैक्टली मैचिंग विद वन ऑफ द लाइन्स ऑफ मेन स्केल। जीरो छोड़ के वर्नियर स्केल का कौन सा लाइन मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली मैच होता है, दैट इज कोइंसाइडिंग डिवीजन। यहां पे थ्री आ गया, ओके, तो यहां पे मैं लिखूंगा थ्री, दिस इज थ्री, इनटू लीस्ट काउंट। अब प्रॉब्लम है किसका लीस्ट काउंट, मेन स्केल का कि वर्नियर स्केल का, तो लीस्ट काउंट का डेफिनेशन है, लीस्ट काउंट बाय डेफिनेशन इज स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स मतलब लाइंस ऑन वर्नियर स्केल। मैं पूरा रिपीट करूंगा, डोंट वरी, ओके। तो व्हाट इज स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल, मेन स्केल एमएम में था, सबसे छोटा जीरो के बाद एक, मतलब वन एमएम, वन एमएम है ना, ये जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन बराबर, तो वन एमएम इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, मतलब बेसिकली मेन स्केल का लीस्ट काउंट, ऐसा बोलना चाहिए उन लोगों ने, बट ठीक है अभी जैसा भी बोला है। तो व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, 1 एमएम अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं वर्नियर स्केल पे, 10 है, तो डिवाइड बाय 10, 1 एमएम बाय 10, 0.1 एमएम, 0.1 एमएम इज 0.1 × 10⁻², क्योंकि एमएम को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, मीटर में कन्वर्ट करो, जैसे भी है,
अगर आप सेंटीमीटर से एमएम से सेंटीमीटर में जाओगे तो माइनस वन आता है ये, तो जैसे 0.01 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट मतलब स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट यू कैन मेक यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर एस 0.01। तो 0.1 एमएम था, 0.1 एमएम मतलब 0.1 × 10⁻³, माइनस थ्री मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो डजेंट मैटर, इट इज 10⁻², 0.01, राइट। तो अब वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के लिए इट टेक्स टाइम, ओके, डोंट रश, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम पूरे एक लेक्चर में एक ही टॉपिक सीखते हैं, इट इज ओके। तो लीस्ट काउंट आपका आ गया 0.01, तो ये आपको मिल गया 0.03 सेंटीमीटर। तो आपको वर्नियर स्केल रीडिंग मिल गया, आपको मेन स्केल रीडिंग मिल गया, राइट। मैं आपको वापस बताता हूं कि एग्जैक्टली हम लोगों को क्या करना है। I'll tell you exactly what we need to do. See, the idea is this. I'll take this to a new page. I'll zoom it as much as I can. What was the issue? सबसे पहले प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम ये है कि हम नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल यूज करके 0.1 सेंटीमीटर से नीचे का कुछ भी मेजर नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट मेजर एनीथिंग स्मॉलर देन 0.1 सेंटीमीटर। दिस इज द इशू। अब व्हाट इज द सॉल्यूशन देन? इफ यू कैनॉट मेजर एनीथिंग स्मॉलर देन 0.1 सेंटीमीटर यूजिंग अ सेंटीमीटर स्केल, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू इट? हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे जिसके दो स्केल्स हैं। एक को हम बोलेंगे मेन स्केल, एक को हम बोलेंगे वर्नियर स्केल। इस इंस्ट्रूमेंट को बोलेंगे वर्नियर कैलिपर, राइट। अब क्योंकि दो स्केल है तो जो भी रीडिंग लेना होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉल है, और लेट मी टेक अ बॉल, ओके, मुझे इस बॉल का डायामीटर मेजर करना है। सो व्हाट आई वांट टू डू इज टू मेजर डायामीटर ऑफ बॉल। तो मैं इस बॉल को पहले, ये जो जॉस है, जॉस इसको जॉ बोलते हैं, इस जॉ में मैं बॉल को रख दूंगा। फिर अब मैं रीडिंग लूंगा, तो टोटल रीडिंग टी आर will be main scale reading MSR plus vernier scale reading। अब plus क्यों करो? दो scale है तो दोनों का use करना ही पड़ेगा, logic है तो, okay? नहीं तो दूसरा scale क्यों दिया है और design के लिए नहीं दिया है? It is not for the purpose of design. You have to use it, okay? तो you have to use it. तो अब question ये है कि how do I know what is main scale reading? How do I know what is vernier scale reading? Main scale reading is simple. Vernier scale पे There are some divisions. उसमें से जो जीरो नंबर की लाइन होती है, जीरो नंबर की लाइन इंटेंशनली दिया होता है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जिस रीडिंग के साथ मैच हो गया, दैट इज मेन स्केल रीडिंग। तो यहां पर 20 के साथ मैच हुआ है तो मेन स्केल आ गया 20 mm, ओके, 20 mm, राइट, गुड। नाउ अब वर्नियर स्केल कैसे रीड करेंगे? वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस है। आपको पहले कोइंसाइडिंग डिवीजन फाइंड करना पड़ेगा, मतलब ये जो 10 लाइंस है वर्नियर स्केल पे, इसमें से कौन से नंबर का लाइन मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली मैच हो रहा है? जीरो छोड़ के जीरो मैच होने ही वाला है, जीरो नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा। यू हैव टू सी विच लाइन इज एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग। तो यहां देखोगे तो वन जो है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं हो रहा है, वन इज लिटिल शिफ्टेड। इफ यू सी टू भी एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं हो रहा है, लेकिन आई कैन सी कि तीन एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है, थ्री,
और वो हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ओके। तो एनीवेज, तो कोइंसाइडेंट डिवीजन फाइंड करना पड़ेगा इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मतलब व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट यू कैन मेक। लेकिन किसका लीस्ट काउंट, दो स्केल है, किसका लीस्ट काउंट? तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। टोटल डिविजन्स, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। अब हमारे पास जो मेन स्केल है उसका लीस्ट काउंट कितना, तो आप देख रहे हो 1 mm, क्योंकि जीरो के बाद ये जो लाइन है ये 1 mm की लाइन है जीरो के बाद, तो 1 mm, तो लीस्ट काउंट इज 1 mm अपॉन टोटल डिविजन्स कितने वर्नियर स्केल पे, 10, मतलब 0.1 mm इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर। अलग वर्नियर कैलिपर का अलग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो दिस इज व्हाट इज, सो यू हैव 0.1 mm, तो ये आ गया 0.3 mm, तो ऐड कर दो तो मिल गया आपको 20.3 mm, ओके। तो इसको चाहिए तो आप सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यू कैन कन्वर्ट। तो यू कैन से 20.3 × 10⁻³ मीटर, फिर आप बोलोगे 20.3 × 10⁻¹ × 10⁻², 10⁻²⁪ मीटर इज 1 cm, मतलब सेंटीमीटर मतलब 2.03 cm। तो देखो जब नॉर्मल स्केल हम यूज कर रहे थे तो 2 के बाद सीधा 2.1 मिलेगा, याद है क्या, सेंटीमीटर स्केल 2 के बाद सीधा 2.1, यू कैनॉट मेजर 2.03। वॉट यू कैन मेजर विथ नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल इज 0, 0.1, 0.2, 0.6, 0.4, 0.5, 2, 2.1, 2.2, 2.03 नहीं मेजर कर सकते थे आप, तो इसलिए हमने 2 scale system यूज किया। तो वर्नियर कैलिपर को आप ऐसा रीड करते हो, तो दिस इज वॉट यू नीड टू नो। तो क्या फायदा हुआ, फायदा 2 scale लगाने से क्या हुआ, 2 scale लगाने से हमारा ये फायदा हुआ है दैट वी कैन हैव मोर एक्यूरेट आंसर्स नाउ, ओके। तो वर्नियर स्केल रीडिंग इज नथिंग बट कोइंसाइडिंग डिविजन इनटू लीस्ट काउंट इनटू एलसी, राइट, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, ओके। इतना पता होना चाहिए, और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या, तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। दिस इज हाउ यू फाइंड आउट लीस्ट काउंट, ओके। इसका मतलब टोटल रीडिंग देयरफॉर इज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, बट वर्नियर स्केल रीडिंग इज नथिंग बट कोइंसाइडिंग डिविजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, ओके। और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला ऊपर लिखा है मैंने, तो दिस इज हाउ यू सपोज टू फाइंड आउट मेजरमेंट यूजिंग वर्नियर कैलिपर, राइट। नाउ एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है विच इज कॉल्ड एज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब माइक्रोमीटर नाम में ही है माइक्रोमीटर, तो हर एक स्क्रू गेज माइक्रोमीटर नहीं होता, इसलिए मैं इसको बोलूंगा स्क्रू गेज। अब कंपेयर करेंगे बाय कंपैरिजन, वर्नियर कैलिपर आपको 0.01 सेंटीमीटर का एक्यूरेसी दे रहा था 10⁻²⁰ सेंटीमीटर का, नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल आपको 0.1 का दे रहा था। अब मान लो मेरे पास उससे भी कोई छोटी चीज है, जैसे ये छोटा सा बॉल है,
अब प्रॉब्लम ये है कि इसका डायामीटर मुझे 0.001 सेंटीमीटर एक्यूरेसी तक चाहिए, मतलब मुझे एक्यूरेसी और ज्यादा चाहिए, राइट। तो अब हम स्क्रू गेज यूज करते हैं। स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर सिमिलर है, ओके। यहां पे भी टोटल रीडिंग आपको मिलेगी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, क्योंकि यहां पे अब आपके पास दो स्केल है, एक है मेन स्केल यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा है ये जो टिम्बल थिम्बल स्केल लिखा हुआ है, दैट इज सर्कुलर स्केल। तो ये सर्कुलर स्केल है बेसिकली, तो दोनों का रीडिंग यूज करना पड़ेगा। और वापस सेम लॉजिक ऐसा है कि इफ यू कैन सी, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं फॉर द टाइम बीइंग, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग। एज यू कैन सी हियर, ये जो लाइन है मेन स्केल का, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके राइट। नाउ मेन स्केल रीडिंग आप कैसे रीड करते हो, इफ यू सी प्रॉपरली, अब ऐसा हो सकता है ये 0 है, ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है, ये 0.4 है, वट एवर इट इज, एमएम में होगा ये, इट इज इन एमएम ऑफ कोर्स, इट इज इन एमएम, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, और ये जो लाइन है यहाँ पे ये विजिबल है। तो मेन स्केल रीडिंग के लिए जितना दिखता है वो मेन स्केल है, कितना दिख रहा है हमको 0.9 mm। तो व्हेन यूजिंग स्क्रू गेज, मेन स्केल रीडिंग इज दैट रीडिंग विच इज विजिबल टू अस, क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली रोटेट होता है। अब मुझे इस बॉल का डायमीटर निकालना था, तो बॉल को फिट करने के लिए मैंने स्क्रू अंदर डाला होगा ना, मान लो ये जो स्पिंडल है अगर ये लूज होता तो बॉल नीचे नहीं गिर जाता, तो हम बॉल को फिक्स करेंगे, अटकाएंगे, अटकाएंगे मतलब हम इस स्क्रू को अंदर 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 डालते जा रहे हैं। तो जब स्क्रू को अंदर डालोगे तो ये जो स्केल है यहाँ पे, ये जो स्केल है, ये स्केल भी तो मूव होगा, दिस स्केल ऑल्सो मूव्स। तो मेन स्केल रीडिंग निकालना यहाँ पे बहुत सिंपल है। मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालते हो, मेन स्केल रीडिंग निकालने के लिए जितना दिखता है वो मेन स्केल है, जितना आपको दिखता है वो मेन स्केल रीडिंग है। तो जितना भी यहाँ पे विजिबल है बेसिकली दैट इज मेन स्केल रीडिंग, 0.9 तक विजिबल है, तो ये 0.9 mm इज मेन स्केल रीडिंग। अगर यहां तक विजिबल होता तो 0.8 mm, यहां तक होता तो 0.7 mm, ओके। तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट मेन स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग एग्जैक्टली इज द सेम। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए अब आप बोलोगे कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। अभी यहां देखोगे यार, मैं थोड़ा वापस जूम करूंगा, आई विल हैव टू डू इट, आई एम सॉरी फॉर दिस, पर करना पड़ेगा। नाउ इफ यू सी, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपके पास मेन स्केल पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है आपको, मैं कलर चेंज करता हूं, मेन स्केल पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक डिवीजन के साथ मैच हो रहा है, सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन के साथ ये मैच हो रहा है। यू सी कौन सा डिवीजन है ये, गिनो, दिस इज 20, 21, 22। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द मेन स्केल मैचेस विथ वन ऑफ द डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, उसको बोलते हैं कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो हमारे इस केस में, इस एग्जाम्पल में दैट इज 22, सो कोइंसाइडिंग डिवीजन इज 22 इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का वही फॉर्मूला है जो हमने पहले देखा था, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, अभी वर्नियर स्केल नहीं, सर्कुलर स्केल। तो ऑन सर्कुलर स्केल, अब नॉर्मली क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल 0.05 mm ऐसा कुछ आता है, वो डिपेंड करता है वन स्क्रू गेज टू स्क्रू गेज, जो भी आएगा वो डिवाइड बाय
यहाँ पे 50 लाइंस थी, 50 लाइंस थी, जो सर्कुलर स्केल होता है उसके ऊपर नॉर्मली 50 लाइंस होता है, नॉर्मली मैं जो मैंने यूज किया मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ओके। तो हर एक स्क्रू गेज का अलग अलग होगा, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 0.001 mm, मतलब 0.0001 सेंटीमीटर, ऐसा भी आता है, ये भी आता है 0.5 mm वाला भी आता है। तो आई हैव यूज्ड दिस वन बाय द वे, आई हैव यूज्ड दिस वन, तो 0.001 सेंटीमीटर, तो लीस्ट काउंट मिल गया 0.001 सेंटीमीटर, मतलब ये आ गया आपका 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.001, मतलब 0.022। अब मेन स्केल रीडिंग आपको ऑलरेडी पता है, वर्नियर स्केल सर्कुलर स्केल रीडिंग पता है, तो दोनों को ऐड कर दो तो रफली रफली मिल जाएगा 0.922 सेंटीमीटर। मतलब देखो, नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल 0.1 सेंटीमीटर तक एक्यूरेट था, वर्नियर के लिए पर 0.1 तक था, और ये 0.001 तक है, और कुछ अच्छे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जाते हैं वो 0.0001 तक भी जाते हैं। तो एक्यूरेसी इज इंक्रीजिंग, हेंस वी यूज वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, ओके। तो स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर का पर्पस ये है टू इंक्रीज एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ एनी, आई मीन ऑफ कोर्स यहाँ पे लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग, ओके। So to increase accuracy in the measurement of length, basically we are not measuring temperature or something over here. Good. So this is what I want you to know, and I want you to revise it today. So kal main errors introduce karunga, kyunki error ka part baki hai, abhi humne error ki baat hi nahi ki, dono mein error hote hain, screw gauge mein bhi, vernier caliper mein bhi. To kal main error introduce karunga aur uske baad main I will be taking examples. Okay, so this is what I'm going to do. All right, so let us stop here for today.